मोदी जी का फोन आ गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज जा रहे हैं हम घूमने के लिए। तो हम घने दिन से कह नहीं रहे थे घूमने चलना है, तो घूमने के लिए चलते हैं। तो रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं, और हमारे साथ एक भैया हो जाएगा तो उसको लेके फिर चलेंगे। तो चलते हैं और बाइक निकालते हैं। तो गाइस, अब चल दिए थे और भाई आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और गर्मी बहुत पड़ रही है। और भाई आज देखो, इसलिए मैंने सेटअप ट्राई किया था क्योंकि भाई आज हम राइडिंग के लिए जा रहे थे और एक अमेजिंग जगह को देख के आएंगे। तो चलते हैं और आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं क्योंकि भाई गर्मी इतनी पड़ रही है। तो भाई मतलब फिर व्लॉगिंग का करने का मन ही नहीं करता। तो अब एक दो सेटअप और लेके आने मेरे को, उसको लेके आएंगे। पहले अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं कि जहाँ पर हम जा रहे हैं घूमने के लिए। चलते हैं भाई। देखो, गर्मी की वजह से रास्ते पता खाली पड़े हैं, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा भाई। हाईवे है ये, तो हाईवे भाई, और भाई सामने से तो रोडवेज आ रही है। तो भाई ये यहाँ पे गांव में आ चुके हैं और यहाँ से एक रास्ता जाएगा डायरेक्ट, और वहां से भाई हमारी लोकेशन आ जाएगी। तो आज जा रहे हैं हम दमदमे लेक, और भाई जिसको पता हो प्रॉपर नेम तो भाई वो और बता देना, मेरे को तो पता नहीं है। यही रास्ता है आगे से है। तो भाई मेरा जिस भाई की मैं कह नहीं रहा था कि मतलब एक भाई हो जाएगा, तो वो भाई मैंने बैठा लिया था नालिक साइड में इधर वाले से। वो भाई भी डर रहा है, ये कह रहा आराम से ले चलना क्योंकि भाई यहाँ पे साइज होता था ना अभी। हाँ भाई, इसमें अभी थोड़ी मिट्टी नहीं है अभी इतना, और साइड में देखो भाई नाला और चल रहा है। यहाँ पे भाई थोड़ा सेफ्टी से जाना पड़ता है। भाई रात को भाई ये कह रहा है, रात को मतलब जो ये रास्ता है ना, यहाँ फट भी हो जाती है। और भाई ऐसे रास्ते से मैं तो बहुत कम आता हूँ क्योंकि मैं भी आज इस भाई के साथ आया था घूमने के लिए। तो भाई रात को तो भाई मतलब कुछ भी हो सकता है। देख ले भाई क्या क्या मजाक करते रहते, ये कह रहे उड़ा दे भाई। आराम से चल रहा हूँ, देखना भाई साइड में कितना बढ़िया एंगल आ रहा है। यही लगे के यार, ये तो यहीं पे थी बस। तो बस हम पहुंच चुके हैं, यही हमारी लोकेशन है और बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ पे। तो फिर अंदर ही ले लूं। भाई एक लोकेशन पर तो आ चुके हैं और हम आए थे इन भैया के साथ। भैया हेलो कर दो। हेलो। तो इन भैया के साथ आए थे और भाई एक लोकेशन तो ये है, और भाई गर्मी की वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं है, दूर दूर तक तो कोई है ही नहीं यहाँ पे भी। और भाई जगह तो एक नंबर है। और ये भाई मतलब कह रहा था घने दिन से कि मतलब तेरे को घुमा के लेके आऊँ, कहीं घुमा के लेके आऊँगा, तो भाई टाइम तो मिलता ही नहीं था। तो आज आ गए थे घूमने के लिए। और ये भाई देखना गाँव में भाई ये जगह, और बहुत अच्छी बना रखी है। और देखना सामने तो भाई एक जैसे वो रहता है ना चेयर्स की, जो क्या कहते हैं मेज वेज सी बनाए रखते, देखना क्या क्या आगे क्या क्या बना रखा है। देखो दिखाता हूँ मैं, देखना एक ये बना रखा है, एक बैठने के लिए पेड़ को काट कर ऐसा बना रखा है। देखो भाई ये चेयर्स सी बैठने के लिए, और एक ये, और भाई देखना क्या क्या बना रखा है यहाँ पे पेड़ों को काट कर। क्या क्या तो भाई यहाँ पे जो पेड़ है ना, पेड़ों भाई खजूर और लग रहे हैं। आप मोदी जी का फोन आ गया चुनना है। वाह भाई, मोदी जी का फोन आ चुका है। इस भाई का तगड़ा सिस्टम लगता है भाई, मोदी जी का फोन आता है इस पे डायरेक्ट,
मोदी जी ये कह रहे वोट, मतलब वोट करो सभी को। और आगे आओ चलते थोड़ा सा देख के आते भाई, गर्मी की वजह से सारे जगह खाली पड़ी है, जगह तो एक नंबर। देखना कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। और आगे आओ चलते हैं आगे, और एक चीज देखने के लिए फिर दूसरी जगह पर चलेंगे। तो थोड़ी सी आगे और आ गए थे, और देखना यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। देखना थोड़ी आगे और चलते, ये पता नहीं लकड़ियों का सा बन रहा है। और वाह भाई वाह, क्या नजारा आ रहा है। और यहाँ पे भाई मेरे को देखो कोयल की सी भी आवाज आ रही है भाई। ये तो जैसे पूरा मूवी मूवी टाइप का रहता है ना सीन सा, मतलब मूवी टाइप का सी जगह है यहाँ पे सारी। और भाई मेरे को डर और लग रहा कभी भाई मैं नीचे के ना चले जाऊँ, गाइस देखो यहाँ पे कितनी अच्छा व्यू आ रहा है। भाई यहाँ पे आके तो मन खुश हो गया, मतलब मैं घने दिनों से सोच रहा हूँ कहीं दूर जाऊँ घूमने के लिए। भाई आज यहाँ पे घूम के मज़े आ रहे हैं। और आप सामने देखो उस पेड़ पे भाई कितने मतलब पक्षी बैठे हुए हैं, मेरे को इनका नाम तो पता नहीं है भाई, बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। देखो तो यहाँ पे चिड़िया और उड़ने लग रही है भाई, कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे। और भाई जो ये सामने ये भैया खड़ा है ना, तो ये और बता रहा था यहाँ पे ना बतख और रहती थी भाई। बतख मैंने तो देखी नहीं है, इस भैया ने देखी थी, मतलब ये यहाँ पे आता जाता रहता है। ये भी जैसे मैं आया हूँ ना आज घूमने के लिए, तो ये भी कह रहा था घने दिन से, तो आज भाई बतख वतख और गर्मी की वजह से भाई कोई जानवर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जगह पर चलेंगे, वहाँ पर देखते हैं कौन कौन मिलता है। ओके दूसरी तरफ लगा दी, तरफ फोन दोबारा चल गई भाई। आप कचहरी के पेड़ और मतलब सब्जियों के पेड़ है, आप सब्जी और बिकने लग रही है। तो देखना भाई सब ऐसे देखते हैं जैसे क्या कर रहा बंदा भाई। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बंदा ये सोचता है मतलब वो क्या कर रहा है, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखना भाई बहुत अच्छा एरिया, और यहाँ पे देखना कैसे गाय वाय सब घूमने लग रही है। भाई स्लो ही चल रहे हैं, और भाई देखना यहाँ पे सेक्टर वेक्टर सब कटने लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे सामने भाई घोड़ों का फार्म और है यहाँ पे, मतलब विदेशी घोड़े मिलेंगे आपको। तो भाई ये मतलब यहाँ पे घोड़ों का फार्म है, देखना आपको पीछे दिख रहे हो तो घोड़े भागने लग रहे हैं, किस दिन यहाँ पे आएंगे। और सामने भाई एक गाड़ी जा रही थी, वो उसमें भी बच्चे ऐसे देखने लग रहे भाई जैसे कौन जा रहा हो भाई। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इतना प्यार और मतलब इस दुनिया ऐसे देखती है ना तब बंदा क्या कर रहा है भाई, मेरे को बहुत खुशी होती है। और यहाँ से वो घोड़ों के फार्म में अंदर जाने का रास्ता है भाई, ये रहे घोड़े। अपनी लोकेशन पे चलते, घोड़े वोड़ों से तो मिल लिया था। और भाई डस्ट इतनी उड़ती है भाई, हेलमेट खोल के तो चला ही नहीं जाता। तो भाई रोड पे आ गए थे, वहां से घोड़ों फार्म से भाई ये पता नहीं कौन सा रोड पड़ता है, मेरे हिसाब से ये बल्लागढ़ फरीदाबाद लगता है सोना से, तो इस पे आ गए थे। और भाई यहाँ पे सारे खेत खाली पड़े, और भाई ये सारे इनकी प्राइस भाई बहुत हाई लेवल में है। और यहाँ से ही हमारे जो मतलब हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं इसी रोड पे पड़ेगी वो लोकेशन भी, तो यहाँ पे जा रहे हैं इसलिए। और देखना कितने अच्छे फूल वूल खिल रहे हैं भाई, सारा रास्ता खाली पड़ा है यहाँ पे। मतलब अभी इतनी जो वो रहता है ना मतलब ज़मीन बिकना, वो अभी इतनी नहीं बिकी हमारे साइड की, तो सारी ज़मीन बिकी है हमारे पास। तो भाई मोटा पैसा आ चुका, मोटा पैसा। सामने आपको दिख रहे हो तो भाई दूर पहाड़ भी दिख रहे हैं यहीं से भाई। पहाड़ देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा भाई पहाड़ों का, व्यू आ रहा भाई। अभी पानी में चला देते भाई पहाड़ों में, भाई अपनी हम जगह पे आ चुके हैं। और यहाँ से भाई हम थोड़ी सी गांव आएगा, गांव में भाई फिर जाएंगे हम पहाड़ों पर।
भाई हम आए थे यहाँ पे पहाड़ों पे, भाई गर्मी पड़ रही है, देखते हैं पहाड़ों पे भाई गर्मी लगती है सर्दी लगती है, भाई पहाड़ों के बीच में भाई बहुत गर्मी रहती है। एक बार जैसे मैं सोमनाथ से जा रहा था ना, जिसकी के एम पी जा रहा था, भाई भाई जैसे मेरे को ठंड लग रही थी ना, और भाई मतलब पहाड़ आते मेरे को गर्मी लगने लगी भाई, मतलब पहाड़ों में भाई बहुत गर्मी रहती है, क्योंकि भाई वो पत्थर रहते हैं ना, इसलिए वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। तो आज हम पहाड़ों को देखने के लिए आए थे, और पहाड़ यहाँ पे ऊपर तरफ है, जो अब ये गाँव आएगा ना यहीं से भाई ये पहाड़ों के लिए रास्ता लग जाएगा डायरेक्ट सीधे भाई। अब पहाड़ों में जाने वाले हैं, हमको वो रास्ता मिल चुका है जहाँ से पहाड़ों में ऊपर तरफ जाते हैं, तो चलते हैं भाई। यहाँ पे वही वाले पेड़ हो रहे जो हमने पहले वाले जगह पर देखे थे। भाई हम आ चुके हैं अपनी फाइनली लोकेशन पर। भाई ये पहले आया था मैं एक बार आपने भाई, जब तो मैं व्लॉगिंग निकलता था जब आया था, और अब तो भाई जब से और अब तक यहाँ पर मतलब बहुत चीज़ें बदल गई। और तो गर्मी की वजह से भाई पानी सूख चुका, और पहले यहाँ पे इतना साफ पानी था बहुत अच्छा, और अब तो यहाँ पे गाड़ियों से रास्ता बना रखा है गाड़ियों के लिए। पहले तो हम ऊपर ही खड़ी करके चले जाते थे बाइक को, फिर पैदल नीचे आते थे, तो नीचे चलते हैं, नीचे देख के आते हैं पानी क्या यहाँ का साफ है या नहीं है, और एक दो वीडियो शूट करा के आएंगे नीचे। तो भाई अब इस जगह पर आ गए हैं, और बढ़िया भाई एक नंबर जगह है यहाँ पे, और ये वही जगह है भाई जहाँ पे जिस बंदे ऑफ रोडिंग करने के लिए आते हैं, आपने कई वीडियोस में देखा हो तो भाई पहाड़ों के बीच में भाई बंदे ऑफ रोडिंग करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे देखना भाई कितने तगड़े, देखना पहाड़ वहाड़ कैसे भाई यहाँ पे लुढ़के से पड़े हैं, देखना भाई कैसे पहाड़, और वहां पे देखना ऊपर भाई ये बंदे मतलब ये भी देखने के लिए आए जैसे हम आए हैं ना, तो ऐसे ये भी देखने के लिए आए। तो हरीश भाई से पूछते हैं भाई मतलब इस जगह का क्या नाम है, और भाई बताइए मतलब इस जगह का क्या नाम है, क्या क्या मतलब कुछ बताइए। तो भाई बताइए मतलब इस जगह का क्या नाम है, ये भैया बताएंगे। भाई ये सिरोही गांव है, इसके अंदर है, और मुझे कंफर्म नहीं है नाम क्या है, पर इस गांव का नाम सिरोही। और भाई पहले मैं भी आया था यहाँ पे, तो और भाई यहाँ पे इतना साफ पानी है, तो आगे चलते हैं। और भाई यहाँ पे ना मतलब ये बहुत खतरनाक जगह है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये कहते हैं जो यहाँ पे मतलब नहाता वहाता है तो भाई वो मतलब उसकी डेथ वेथ हो जाती है भाई यहाँ पे, मतलब बहुत खतरनाक जगह बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पे भाई बंदे भाई हंसी मजाक के लिए नहाने के लिए आते हैं। और देखो ये पानी भाई कितना गहरा है, और पानी में भाई पत्थर हैं देखो, और ये पत्थर भाई कहीं पे नीचे कहीं पे ऊपर है, तो भाई ये बहुत खतरनाक जगह है इस वजह से यहाँ पे। और भाई गर्मी की वजह से अब यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा, नहीं संडे के लिए तो भाई यहाँ पे थार वार को लेकर, और भाई बहुत बंदे ऑफ रोडिंग करने के लिए आते हैं। और जब मैं पहली बार आया था भाई जब, तो एक नंबर जगह थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी जैसे पेड़ वेड़ से उग गए हैं, और भाई ये गंदगी सी हो गई है, पहले ये नहीं था, और यहाँ पे मतलब पहाड़ी पहाड़ है, और भाई पहाड़ी भी देखना, ये मैंने आपको दिखाया था ये पहाड़ भी भाई टूटे पड़े हैं। और यहाँ पे मैं रास्ता तो वो वाला देखने आया था जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, वो रास्ता मेरे को मिला नहीं, फिर हम बाइक वाले रास्ते से आ गए पीछे से। यहाँ पर ऑफ रोडिंग करने के लिए भाई थार वार भी आ चुकी हैं, और भाई ये यहाँ के लोकल ही हैं, क्योंकि भाई इतनी गर्मी में भाई कोई नहीं आता, ये कोई लोकल बंदा ही है, ये भी मतलब ऑफ रोडिंग करने के लिए आया है। आ रहा हूँ देखना कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके भाई बच्चे भी आने लगे, स्कूल कॉलेजों की जिनकी छुट्टी हो गई है ना वो सब आने लगे हैं। भाई उस जगह से हम चल दिए थे भाई, वहाँ पे गर्मी गर्मी लग रही थी, और जो हमारे एक भाई था उसको भाई चक्कर वक्कर आ गए थे, इसलिए गर्मी से चल रही है। तो भाई कुछ अमेजिंग से रहेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपको सामने जहाँ पहले दौड़ा दोनों में पास देखा था ना, वहाँ पर रुकेंगे एक बार तो जरूर चलेंगे। भाई अब आ गए थे गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी में भाई गन्ने का जूस जरूर पीना चाहिए, और मैं तो भाई डेली एक ना एक गिलास तो डेली पीता हूँ भाई, इससे मतलब गर्मी कम हो जाती है, और ठंडक इसको पीने से ठंडक सी भी आ जाती है शरीर में। गन्ने का जूस पीते हैं, भैया निकाल रहे हैं फ्रेश ताज़ा गन्ने का जूस, इसको पीएंगे। ले लिया जूस आ गया, तो इसको पीते हैं भाई, एक नंबर ठंडा जूस है तो इसको पीते हैं भाई। अब हम पहुँच चुके हैं घोड़ा फार्म मतलब हॉर्स फार्म के वहाँ पे, और आपको हॉर्स भाई कते बारीकी से कते सामने से दिखाता हूँ, और पास से अभी तो हम दूर हैं, और पास से दिखाता हूँ।
और भाई गर्मी तो इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी तो भाई इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर चलते हैं। और वैसे तो ये अपने भाई का ही फार्म है, तो चलते भाई मिलता है नहीं मिलता तो चलते हैं। तो भाई देखो कितने सारे घोड़े खड़े हुए हैं, और भाई कितने सारे, और भाई ये सारे ना इम्पोर्टेड हैं, मतलब भाई सारे विदेश से मंगाए हुए घोड़े हैं सारे। और यहाँ का भाई एक भी घोड़ा ये यहाँ का नहीं है, सब बाहर के हैं, सारे बाहर के। तो भाई गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए भाई फार्म पे तो गए नहीं थे, तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए भाई, अब कुछ खाते हैं और फिर भाई घर ही चलेंगे, क्योंकि भाई अब गर्मी घनी हो गई है ना, तो इसलिए भाई अब खा के और चलते हैं। खा लिया था, और भाई ये जो मैंने कल सेटअप किया था ना भाई, ये सारा बिगड़ गया, ये सारा देखना ढिल्ला सा हो गया, और ये इधर उधर भागने लगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ भाई। ये खड़ी हमारी बाइक, तो अब इसको लेके चलेंगे भाई, गर्मी इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो हमारे पराठे और दही आ चुकी है, तो इसको खाते हैं। तो पराठे वराठे खा लिए थे, तो मैं बाहर चला गया था, और बाहर जाके तो मेरे को एक दो शॉट बहुत अच्छे अच्छे मिले, मेरा फ़ोन घर पे रह गया, क्योंकि मतलब जो मेरा फ़ोन है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो पता नहीं 80% तक जाता है और 80% के आगे बढ़ता ही नहीं है, और उसकी पता नहीं बैटरी हेल्थ में क्या इशू आ रहा है, कि मतलब एक रहता ना चार्जिंग में दिक्कत, चार्जिंग में ये रहता कि वो फ़ोन चार्ज ही नहीं होता, 80% तक चार्ज होता है, 80% के बाद चार्ज ही नहीं होता। और मैं आपसे कह रहा था ना जब मैं फ्री हो जाऊंगा जब आपको दिखाऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या उस सेटअप में क्या दिक्कत आ गई, तो दिखाता हूँ मैं सेटअप में क्या दिक्कत आई, और रात ही हो चुकी है। तो हमारे सेटअप ना सारा टूट चुका है, और जैसे मैंने कल यूज़ किया था ना, ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, और सारा सेटअप कल हाथ में आ गए इसके सारे। यहाँ से एक नट, ये मतलब ऐसे लगता है कुछ ऐसे टाइप में, कहाँ गया, मतलब होल सा है, तो यहाँ पर लगता था, और यहाँ का एक नट खो गया, और ये ऐसे टाइट हो जाता था इस पर, ऐसे कुछ टाइट हो जाता था, अब यहाँ का नट खो गया है, तो ये किसे का भी नहीं है। और हेलमेट का बताऊँ, हेलमेट में भी एक इशू आ गया कल की वजह से, जो हेलमेट की ये है ना, ये मतलब ख़राब हो चुकी है, ये ना कल वो चल गई थी, ना कल नहीं, ये आज ही उछल गई थी, क्योंकि कल भी ये थोड़ी थोड़ी उछली सी हो गई थी, और आज भी ये ज़्यादा, और इसमें देखो यहाँ पर निशान से बन गए हैं इसी की वजह से, निशान से बन गए थे। और जो भी मेरे हिसाब से तो जो मतलब फिक्स कराते प्रॉपर, और एक दो दिन में अब तो मैं प्रॉपर हेलमेट लेके आऊँगा, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कल ही तो यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम आज यूज़ किया था, इसी में ही ख़राब हो गया, तो अब नए हेलमेट लेके आएंगे और नए सेटअप करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर देना। ओके, टाटा, बाय बाय।